अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम किचन। कैसे आप लोग सब? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं क्रिस्पी चिकन नगेट्स, तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद स्लाइस ले लिए, स्लाइस को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे हाथ से ही और चॉपर में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 बोल के करीब बोनलेस चिकन ले ली है, ये भी चॉपर में डाल देंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसको आपने इतना ब्लेंड करना है कि ये बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो जाए, ठीक है, इतना आपने इसको ब्लेंड करना है। हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा नरम नहीं हुआ है। अब इसको एक बोल में निकाल लेंगे। वन टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। काउंटर को आपने साफ कर लेना अच्छी तरीके से। अब काउंटर पे इसको फैला देंगे, स्क्वायर सा बना लेंगे हाथ की मदद से ही। अब इसके एजेस जो हैं उन्हें नीट कर लेंगे, एक छुरी ले लेंगे। ज़्यादा आपने पतले नहीं रखने और ना ज़्यादा मोटे रखने, इसके एजेस को जो है वो नीट कर लेंगे। अब इसका बाइट साइज जो है वो कट लगा देंगे स्क्वायर में। अब यहाँ पर मैंने 1 अंडा ले लिया है और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। पहले अंडे में डालेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ने सारे कोट कर लिए, अब इसको 1 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे हम। उसके बाद इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक एक साइड इसका कलर नहीं आ जाता। आपने टर्न नहीं करना, ना इसमें चम्मच मारना है। अब देखें इसका दूसरी साइड कलर भी आ गया। यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ आँच पे नहीं करना वरना ये अंदर से कुक नहीं होगा, क्योंकि हमारी चिकन जो है वो कच्ची है। इसको निकाल लेंगे, यहाँ ये तैयार हैं। अगर आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।